रिजेंटेड फाइनली वी आर ऑन टू द डायनेमिक फ्लेक्सीबिलिटी विच इज मॉड्यूल 22 टू वी आर डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग द कोवेरियंस बिटवीन द फिटनेस एंड वैल्यू अब जैसे हमने समझा कि डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या है उसके आ, यानी मार्केट साइज का ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू का प्रोसेस का प्रोडक्ट का और आपकी जो फाइनल न्यू प्रोडक्ट होगी या न्यू मार्केट होगी इन सब के लिए जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उसका कोवेरियंस को यानी फिटनेस और वेरियंस के दरमियान में कोवेरियंस को ऐड करना को यानी आप एक स्टेटमेंट समझ दीजिए कोवेरियंस बिटवीन द फिटनेस एंड द वैल्यू अब डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट ओरिजिनली डेवलप्ड टू रिजॉल्व जनरल बिजनेस इश्यूज लेटर

वो आपका जो है ऊपर से आपका डिज़ाइन आ गया लेकिन उस पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर का समझना और एक डिपार्टमेंट यानी सेल्स उसको कुछ देना देना नहीं टारगेट्स दे दिए ज्यादा से ज़्यादा कहेंगे कि ये मार्केट नहीं है मार्केट के स्टाइल नहीं है मार्केट का साइज़ नहीं है प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं है प्रोडक्ट की डेवलपमेंट uh, नहीं है या प्रोडक्ट की ऐसी डिमांड मार्केट से चेंज हो रही है फॉर एग्जाम्पल डाइपर्स आई एम डिस्कसिंग द केस ऑफ टू थाउजेंड एट जिस वक्त सबसे पहले एक कंपनी ने पाकिस्तान के अंदर एडल्ट डायपर्स इंट्रोड्यूस किए थे बुरी तरीके से पिट गए मार्केट शेयर तो बाकी चीज़ों में ज़्यादा था इस न्यू प्रोडक्ट और न्यू वेरिएंट का आपको मार्केट में बुरी तरह पिट गया आपके जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कंप्लीट इनकार कर लेकिन ट्रेंड चेंज होते गए 2012 के बाद इसका स्टिम्यस मिलता है दो के बाद से लेकिन अब तक अब आपके अंदर ये नॉर्मल चीज़ हो गए और आपकी जो बिहेवियर कल्चर नॉर्म्स आपकी आइडियोलॉजीज आिस्ता आहिस्ता कल्चर कल्चर ने मूव लिया और चेंज हुआ और अब आप, आप आपके देखते हैं कि अब आप आपको मार्केट डिजाइन चेंज नज़र आता है इस प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई मार्केट के अंदर ये यूज़ होने लग तो कहने का मकसद ये हुआ कि आपकी जो आइडियाज़ हैं वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे अलग होते हैं लेकिन डायनामिक शिफ्ट के लिए चाहिए कि आपकी लोअर मैनेजमेंट को भी स्टिमुलेट करके आपके साथ अलाइन होना चाहिए सो डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी इज इन द इनबिलिटी टू मेक स्पीडी एडेप्शन द फेस ऑफ न्यू सिचुएशन ये जैसे मैंने अर्ज किया आपको, कि आपको स्पीडली आपकी फॉर्म को आपका इनर्शिया को आपकी कोवेरियंस को बिटवीन द फिटनेस एंड द वैल्यू आपको इक्वलेट करनी है जब इक्वल हो जाएगा तो आपकी डायनेमिक फ्लेक्सीबिलिटी डेवलप हो जाएगी थैंक यू वेरी मच